चलो भाई। तो बेटा जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंज्यूमर मार्केट में जाता है और किन किन चीज़ों को वो क्या करता है, परचेज करता है, किन चीज़ों पे अपनी इनकम को खर्च करने की प्लानिंग बनाता है, ठीक है, और कैसे प्लानिंग बनाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक कार्डिनल अप्रोच होता है और एक ऑर्डिनल अप्रोच होता है, ठीक है। दोनों का किसने फाइंड आउट किया था ये भी बताया था लास्ट वीडियो में। और बेटा थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो लगातार आपके पास पहुंच रही हैं, तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है सबसे पहला है यूटिलिटी। आज का टॉपिक क्या है सबसे पहला? यूटिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, यूटिलिटी क्या है। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मीन्स वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर एक कमोडिटी के अंदर एक पावर होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे वॉन्ट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए, तो जैसे ही हमें पानी मिलेगा, पानी के अंदर वो क्या है, इधर देखो बेटा, पावर है। उस पावर की वजह से हमारी वॉन्ट्स क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे उस टाइम पे खाना चाहिए। खाना जो है, फूड जो है, उसके अंदर क्या है, फूड के अंदर पावर है कि वो मेरे भूख को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। उसी पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखते हैं बेटा यूटिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूटिलिटी टोटल तीन टाइप्स के होते हैं। यूटिलिटी टोटल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, तीन। यूटिलिटी टोटल तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, तीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला यूटिलिटी जो होगा वो होगा टोटल यूटिलिटी। क्या होगा बेटा, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में TU भी कहते हैं, TU। दूसरा जो होता है बेटा हमारा, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कौन सा होगा बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में MU कहते हैं। क्या कहते हैं, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम शॉर्ट में AU भी कहते हैं। क्या कहते हैं, AU। तो हम सबसे पहले तीनों की डेफिनेशंस देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है और एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता क्या है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं, शुरू से देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि यूटिलिटी तीन तरीके के होते हैं। एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होती है एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, TU शॉर्ट में। मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम MU। और एवरेज यूटिलिटी को हम शॉर्ट में कहते हैं AU। अब देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके 2, 3, 4 जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितने भी, डजंट मैटर, जो भी हमारे बस की है पॉसिबल यूनिट्स। मान लो कोई 2 यूनिट खा सकता है, कोई 3 यूनिट खा सकता है, कोई 4 यूनिट खा सकता है, पॉसिबल यूनिट्स, ठीक है ना, जो भी पॉसिबल यूनिट्स है। तो पॉसिबल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे देखो मैं मार्केट में जाता हूँ और एक बर्गर खाता हूँ। कितना बर्गर खाता हूँ बेटा, एक। पहला बर्गर खाया मैंने, फर्स्ट बर्गर से मुझे 10 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला। कितने यूटिल्स का, 10 यूटिल्स का। सेकेंड बर्गर खाया मैंने, इससे मुझे मिला 8 यूटिल्स का बर्गर, 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो 2 बर्गर खाने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला मुझे, 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द
टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला है 18, ऑब्टेंड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स, ऑल पॉसिबल यूनिट्स कितने, मेरे बस के कितने बर्गर खाना है, दो, एक दो, तो जो पॉसिबल यूनिट्स है उनके कंजप्शन करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं, टोटल यूटिलिटी हो गया हमारा। अच्छा एक बात और, यूटिलिटी को हम मेजर किससे करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, यूटिलिटी को हम मेजर किससे करते हैं, तो यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स से, यूटिल्स। जैसे बेटा समय का ऐसा ही मापक क्या है, समय का सेकंड होता है, डिस्टेंस का किलोमीटर होता है, ऐसे ही बेटा यूटिलिटी का ऐसा ही मेजरमेंट करने की चीज़ क्या है, यूटिल्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता हूँ, कितने यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो उससे मुझे कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखते हैं जरा, मान लो एक बर्गर खाया मैंने, फर्स्ट बर्गर, तो फर्स्ट बर्गर से मुझे 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, कितनी यूटिल्स की, 10 यूटिल्स की। सेकंड बर्गर से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेकंड बर्गर से, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के 18। थर्ड बर्गर खाता हूँ मैं, एक और बर्गर खा लेता हूँ, क्या दिक्कत है, पैसा बहुत है, बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो 24 टोटल। ये टोटल के बारे में बात कर रहे बेटा, बट पॉइंट ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा यूनिट कितना है कॉमोडिटी का, बोलो बेटा, तो कहोगे एक, एक से दो पे गया तो एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट किसका, कॉमोडिटी का, कॉमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले से 10 मिल गई, फर्स्ट और सेकेंड